नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खुशो खुर्रम होंगे। नाज़रीन आज यहाँ शहनशाह होटल में एक अफसानी नशिस्त का एहतिमाम किया जा रहा है। इस नशिस्त की ख़ास बात यह है कि इसमें एक जम्मू कश्मीर के एक माया नाज अफसाना निगार, फिक्शन निगार, ड्रामा निगार मोहतरम नूर शाह साहब अपना अफसाना ख्वाबगाह की दीवार पर लटकी तस्वीर समात फरमाएंगे। इस नशिस्त में मेहमान जीवाकार की हैसियत से मोहतरम वहशी सईद साहब तशरीफ़ फरमा है। इसके अलावा डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इनके अलावा डॉक्टर अलीलाल मखदूमी साहब तशरीफ़ फरमा है और साथ देंगे तजिया निगार की हैसियत से अशहर अशरफ साहब। जी हाँ नाज़रीन, अब मैं अपने आज के मेहमान मोहतरम नूरशाह साहब को अफसाना पढ़ने की दावत देता हूँ। शुक्रिया। अफसाने का उन्होंने ख्वाबगाह की दीवार पर लटकी तस्वीर, यह उन दोनों की बात है जब मेरे जिस्म की परवाज़ बुलंदी को छू रही थी, लेकिन अब मैं अपने जिस्म से बाहर आ चुकी हूँ। तब और अब में इस कदर फर्क नज़र आ रहा है कि सोचते सोचते मेरी सोचें एक दायरे में बंद होकर रह जाती हैं और अब सोचना मेरे लिए बेमकसद है। सोच कर भी क्या करूँ, और फिजाओं में देख देख कर मिलेगा कि भी क्या, किसकी तलाश करूँ। मेरी चाहत का कबूतर थक कर जा दे, फरार का कौन सा रास्ता इख्तियार कर चुका है। वो रास्ता अगर मुझे मिल भी गया तो क्या मैं उड़ सकूँगी? क्या वक्त का तस्वीर मेरे जहन में जिंदा है? शायद नहीं, शायद मेरी सोचें मुंजमद हो चुकी हैं। लेकिन यह क्या हो रहा है? हाँ, कुछ तो हो रहा है। मेरे जहन के दरवाज़े पर कौन दस्तक दे रहा है? मेरे एहसास की खिड़की कौन वाक कर रहा है? क्या मैं धीरे धीरे अपने जिस्म में लौट रही हूँ और तारीख शब की उड़ने में अपनी यादों को समेटने की कोशिश कर रही हूँ? मेरी सोच के दायरे की ओर कैसे फैलने लगे हैं? 20 वर्ष कबल जब मैं 3 साल की थी और मेरा भाई 5 साल का, हम शहर की एक छोटी बस्ती में एक बड़े मकान में रहते थे। हम सिर्फ 4 थे, हम दो हमारे जन्म देने वाले दो माता और पिता। हमारे पिता अपनी बस्ती की सबसे मालदार शख्सियत थी। ज़मीन और ज़रात उनकी अमीरना ज़िंदगी की बुनियाद थी। फिर जाने कौन सी आंधी चली, माता पिता के दरमियान दूरियां नमूदार हो गई और वो अलग अलग हो गए। मैं मुन्नी के रूप में माँ के हिस्से में आई और मेरा भाई मुन्ना बाप के हिस्से में। माँ कहती थी कि दोनों की रजामंदी से सारी जायदाद, ज़मीन और ज़रात समेत फरोख की गई और जो रकम हासिल हुई वो दोनों ने बराबर बांट ली और दोनों ने वो बस्ती छोड़ दी। जाने मेरे पिता मुन्ना को लेकर कहाँ गए और मैं माँ के साथ कहाँ आ गई। वक्त का पहिया घूमता रहा। इस भागते वक्त में मैंने ना अपने आप को देखा न ही मुन्ना भैया को। दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उधर भी और इधर भी। हालात ने एक अनदेखी करवट बदल ली थी, इसलिए हमेशा के लिए अपनी अफादिश खो चुके थे। अब अगर मिलते भी तो शायद एक दूसरे को पहचानना मुमकिन न था। रिश्ते में जब दूरियाँ आ जाती तो चेहरे लज्जू से ओझल हो जाते, आपसी मोहब्बत फिसल कर दिल की खिड़की से बाहर आकर अंधी गाछियों में गुम हो जाती। फिर किससे क्या शिकवा, ऐसा तो हमारे साथ हो रहा ही था। आप पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आगे चलते चलते अपनी बूढ़ी माँ की सांसों को मुअत्तल बनाना मेरे लिए एक सवाल बनकर उभाया था। इस सवाल का जवाब मुझे फौरन ही मिल गया। मैंने कौमी सतह के एक इम्तहान में हिस्सा लिया और मुझे एक बड़े शहर में एक मरूफ़ कंपनी में मुलाजमत मिल गई। इब्तदा में तरबियत हासिल करने की गर्ज़ से 6 माह के लिए मेरी एक तैनाती आजी तौर पर हुई। नई जगह मुझे पसंद आई, नया माहौल भी मुनासिब था। इस कंपनी में खवातीन की तादाद ज़्यादा थी। इस कंपनी का मालिक कभी कभार ही दफ्तर आता, वो किसी से पूछे बगैर आ जाता और पूछे बगैर चला जाता। इसकी दफ्तरी सरगर्मियाँ सिर्फ उसके प्राइवेट सेक्रेटरी तक महदूद थी। निर्मल कपूर नामी यह खातून बहुत कम बातें करती, सारा दिन दफ्तर की फाइल में गुम रहती। लेकिन मैंने महसूस किया कि कभी कभार वो दफ्तर में काम करने वाले किसी न किसी खातून को अपने कमरे में बुलाती और वो खातून हाथ पे कोई फाइल लिए दफ्तर से गायब हो जाए और फिर दूसरी सुबह जाने भी दीजिए, मुझे क्या लेना देना। मैं दफ्तरी शोरशा से दूर अपने काम में बेहद मशहूर रहती। अब मुझे यहाँ काम करते करते 4 माह हो चुके थे और इस दौरान मैं सिर्फ एक बार माँ से मिलने चली गई। उस शाम जब मैं दफ्तर से घर जाने वाली थी कि मैडम कपूर का बुलावा आया, मैं उनके कैबिन में गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराई, देखिए फाइल साहब आपसे ज़ाती तौर पर डिस्कस करना चाहते हैं। मुझसे क्यों,
इसलिए कि आपकी कन्फर्मेशन का मसला है, मगर वो जो दफ्तर में नहीं है, वो दफ्तर आते ही कब है, सारी फाइलें घर में ही देखते हैं, लेकिन दफ्तर की कार आपको वहाँ छोड़ आएगी। मैं फाइल लेकर नीचे आई और कार में बैठी, और कार चंद कदम की दूरी पर दुल्हन की तरह सजी सजाई कोच की एक लान में रुकी। चंद कदम आगे चलकर मैंने कोच के अंदर थी। यू टू एक नस्वानी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैंने मुड़कर देखा, एक खातून मेरी जानिब आ रही थी। मैं आपका मतलब नहीं समझी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं नहीं तो चलिए साहब से मिलने के लिए आपकी रहनुमाई करती हूँ। वो चलने लगी और मैं भी कदम से कदम मिलाने लगी। दूसरी मंजिल तक पूछते में देर न लगी, उसने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर आने दो, जाइए। और आप, फाइल तो आपके पास है मिस, मैं कृष्णा हूँ। वो कुछ कहे बगैर सीढ़ी के साए नीचे जाने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर आ गई। वो सोफे पर बैठे हुए थे, लेकिन मुझे लगा जैसे मुझे देखकर कांप से गए हो, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी की गहराई से कोई मछली बेसकता खुशी पर आकर कांप जाती है। फाइल इस टेबल पास रखो और मेरे करीब आ जाओ, यहाँ मेरे पास। अब तक मैं अपने आप को संभाल चुकी थी। टेबल की जानिब जाते हुए अचानक मेरी नज़रें खाबगा की दीवार पर लड़की तस्वीर पर जमकर रह गई, और मेरे जहन के दरवाजे खुद खुलने लगे। मैं तस्वीर से अपनी नज़रें हटा ना सकी, देखती रह गई। मुझे लगा जैसे तस्वीर के दायरे में सिमट कर आ गई हूँ। क्या देख रहे हो, यहाँ आओ, कौन है आप? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मैं जानती हूँ, देखिए तस्वीर किसकी है ये तस्वीर? तस्वीर, वो तस्वीर बस तस्वीर है, तुमसे मतलब? मैं अपनी ज़िंदगी की क्वागिर को दांव पर लगाने से पहले इस तस्वीर के बारे में जानना चाहती हूँ। और फिर कमरे की खामोशी एक भरपूर कहका सुनाई दिया। इस कमरे में जाने आज तक कितनी लड़कियाँ आई होंगी, सब ने तस्वीर देखी हुई, किसी ने कोई सवाल ना किया, कुछ जानने की कोशिश देखी, और तुम कुछ पानी की बजाय इस तस्वीर के बारे में जानना चाहती हूँ। फाइल पर मेरे एक दस्तखत से तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रौनक आ जाए। क्या रखा है तुम्हारे लिए इस तस्वीर में? बहुत कुछ रखा है, इसलिए तो जानना चाहती। तो सुनो, ये मेरी अनजानी बाप की तस्वीर है, अब देर ना करो, यहाँ मेरे आओ। मी टू, यस यू टू। मुन्ना, ये तुम हो? तुम मेरे बचपन नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? मुन्ना, मैं मुनी हूँ, तुम्हारी बहन। खाबगा की दीवार पर लड़की तस्वीर की पुनम आँखें शायद एक ऐसे लम्हे की मंजर थी, और अब मैं अपने जिस्म पर लौट चुकी हूँ। शुक्रिया नाज़रीन। आप अफसाना फरमा रहे थे उस्ताद अफसाना निगार नूर शाह साहब को। उन्होंने ख्वाबगाह की दीवार पर लड़की तस्वीर अफसाना सुनाया, बहुत ही उम्दा, म्यारी और मी टू के मौजू पर एक बेहतरीन अफसाना। ये मौजू मी टू काफ़ी अरसे तक मौजू बहस रहा सहाफ़त में, अदब में, और आज इस अफसाने को फिर से सुनने का शर्फ हासिल हुआ। अब मैं अपने मुअज़्ज़ज़ तज़्ज़िया निगारों और अफसाना निगारों की तरफ आऊँगा। सबसे पहले मैं वहशी सईद साहब से इस हवाले से कुछ जानना चाहूँगा कि नूर शाह साहब की अफसाना निगारी के हवाले से वो क्या जानते हैं, उन्हें कैसे समझते हैं, उनकी अफसाना निगारी को वो कैसे लेते हैं, और इस अफसाने पर वो अपनी राय दें। जहाँ तक नूर शाह साहब का ताल्लुक है, वो तो उम्दा अफसान निगार है ही, लेकिन बर सग़ीर में वो अपना एक अलहदा मुकाम रखते हैं। वो ख़ुद एक इदारा है फिक्शन का, इस लिहाज से अगर देखा जाए उनके फिक्शन में जो भी नए फिक्शन आते हैं या पुराने फिक्शन है, वो उर्दू अदब के लिए एक इजाफा का काम करते हैं। आज का ये अफसाना जो है, इसमें मी टू को पस मंज़र बनाकर एक अच्छा खूबसूरत अफसाना लिखा गया है। चूंकि नूर शाह साहब 6 दहाइयों से अफसाना लिखते हैं, और इन्होंने मुख्तलिफ मौजू चुने हैं, मगर पस मंज़र में हमेशा इनके रोमानियत रही है, वो उससे बाहर नहीं आए। इंशाअल्लाह अभी भी वक्त है, ये कुछ ऐसे अफसाने हमको देंगे जो रोमानियत से ज़रा हटकर होंगे, और ये अफसाना अपनी जगह बेहतरीन अफसाना है, एक बेहतरीन इजाफा है
اردو فکشن نگاری میں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ویشی سید صاحب. اب میں اپنے اگلے مہمان کی طرف رجوع کرتا ہوں. ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ افسانے پر, اس افسانے پر, نوشا صاحب کے افسانے پر اپنے تاثرات دیں. نور شاہ صاحب کے افسانوں کا کیا کہنا, وہ جو بھی لکھتے ہیں سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں, دل کی گہرائیوں سے لکھتے ہیں. اب وہ رومانیت لکھیں یا کچھ اور, تو لیکن لکھتے دل کی گہرائیوں سے. زیر نظر افسانہ بھی ایک بہت اچھا افسانہ ہے, جیسا کہ میرے ایک محترم دوست سعید صاحب نے کہا, می ٹو کے پس منظر میں لکھا گیا, زبان حسب معمول شستہ شیرین اور اس میں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. ہم تو ان کے شاگرد ہیں افسانہ نگاری میں, اس لیے ہم اپنی وہ رائے کیا ظاہر کریں. جو اس کا متن تھا, جو افسانہ تھا, وہ بہترین, دلنشین اور خوبصورت تھا. جی شکریہ ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب. اب میں ڈاکٹر علی لال مخدومی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ افسانے پر اپنے تاثرات دیں. جی جہاں تک میرا تعلق ہے, مطالعہ کے مطابق یہ افسانہ جو ہے یہ تانیثیت کے حوالے سے پیش کیا جا سکتا ہے. تانیثیت میں جو کہا گیا, جو عورتوں کے حوالے سے بحث کی گئی یا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو کہا گیا, اس افسانے کے تجزیہ کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ عورت مرد غالب معاشرے میں استحصال کی شکار ہے. اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو عورت استحصال کی شکار ہوتی ہے وہ بعد میں یہ کہتی ہے کہ ہمارے اپنے تھے جنہوں نے ہمیں ہدف کا نشانہ بنا دیا. یہ افسانہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور جہاں تک می ٹو کا تعلق ہے, یہ بھی ایک شکل ہے فیمینزم کی, تانیثیت کی, جو بہت دیر تک چلی, جس کی لہر برصغیر میں چلی. اور اسی پس منظر میں یہ افسانہ لکھا گیا ہے. میرے مطالعے کے مطابق یہ بات کہنا واجب ہے یہاں کہ یہ افسانہ جو ہے یہ عورتوں کے حوالے سے بحث کرتا ہے. اور جہاں تک قوانین, رولز یا اسلوب, ان کو مد نظر رکھ کے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ افسانہ بالکل مکمل افسانہ ہے. اس میں کوئی خامی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ افسانہ جو ہے یہ بہترین افسانہ ہے. شکریہ. افسانے پر بات ہو رہی ہے جناب نوشا کے افسانے پر, خواب پر لٹکی ہوئی, خواہ کی دیوار پر لٹکی ہوئی تصویر. اب میں اپنے آخری تجزیہ نگار اشہر اشرف صاحب کی طرف آتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ افسانے پر اپنے تاثرات سے نوازیں. شکریہ ڈاکٹر غلام نبی کمار صاحب اور اردو ورلڈ سری نگر کا. سب سے پہلے میں اپنی خوش بختی پر اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ نور شاہ جیسے معتبر فکشن نگار اور قبلہ وحشت سعید صاحب اور ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب کی موجودگی میں ہمیں محترم نور شاہ صاحب کے افسانے پر اپنی بات رکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو افسانے کے پس منظر کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور میں بلا کسی تمہید کے یا وقت کے ضیاع کے افسانے کی تکنیک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے افسانہ جو ہے اس میں راست بیانیاں کی میں واحد حاضر میں کے سیگے میں بات کی گئی ہے اور راوی کا انتخاب یہاں پر ایک تانیثیت کے کردار میں کیا گیا ہے, جو کہ اس میں جہاں کی تحریک اگر ہم می ٹو کے پاس میں دیکھیں گے تو اس حوالے سے بات کی گئی. اس میں رومانیت کی بات اگر کریں, جیسے کہ قبلہ ویشی صاحب نے کہا کہ بے شک دوسرے افسانوں میں رومانیت کا نظر رنگ نمایاں ہے, لیکن یہاں پر ایک سماجی ایشو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ایک ازدواجی مسائل کو یہاں پر اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جیسے کہ ہلال مخدومی صاحب نے کہا, ہلال مخدومی صاحب نے کہا کہ تانیثیت کی ایک بازگشت ہے, جس کو ہم کہیں گے تانیثیت کی بازگشت ہے. تو ہمارے معاشرے میں, جس معاشرے میں محترم نور شاہ صاحب سانس لے رہے ہیں, ہم سبھی شرکا سانس لے رہے ہیں, تو یہاں پر کسی نہ کسی رنگ میں ہمیشہ عورت جو ہے اس سال کی شکار ہوتی رہی ہے. اور یہاں پر ایک معتبر انداز میں عورت کا احجاج درج کیا گیا ہے, جس میں جو میں کے سیگے میں ایک راوی بیان کر رہی ہے کہ کہانی کے برسوں بعد کسی انبن کی وجہ سے نامعلوم وجوہ کی بنیاد پر ان کے جو ماتا پتا تھے یا ان کے جو
माँ बाप थी उनमें जुदाई हो गई, जुदाई की सूरत में उस सूरत हाल के पस मंजर में उन अनासर को तलाश करने की कोशिश की कि जब दो लोगों में जुदाई किसी सबब से होती है, तलाक हो या बिना तलाक की जुदाई होती है, तो उसका एक मनफी असर आने वाली नस्ल पर कैसे पड़े, उनके बच्चों पर कैसे पड़ जाता है। तो यहाँ पर किरदार जो दो दिखाए गए, जो पस मंजर में जाकर दिखाए गए, फ्लैशबैक में दिखाए गए हैं कि मुन्ना और मुनी के किरदार में दिखाए गए हैं। देखिए 20 साल या 25 साल के बाद वो फिर बाद में मिलते हैं, वो जो लड़की होती है माँ के हिस्से में आती है और जो लड़का होता है वो बाप के हिस्से में आता है, और वो किस तरह से आयाशी के दलदलों में जाकर गिर जाता है, और जहाँ से उसका आना यहाँ पर महल, वापस आना महल नज़र आता है। तो लेकिन और दूसरी बात कि निजी शोबों में जितनी भी लड़कियाँ काम करते हैं और उनको वहाँ पर अपने जो तलाश माश के सिलसिले में अपनी जिस्म की कुर्बानी किस तरह देनी पड़, जैसे कि किरदार की एक बात है कि ख्वाब गाह की दीवार पर लटकी हुई तस्वीर के उनवान के हवाले से बात करेंगे, तो कि वो इसमें एक मेरे कानों में एक बात आ गई है कि एक जुमला आ गया है कि न जाने कितनी ही लड़कियों ने इस तस्वीर को देखा होगा और कितनी ही लड़कियाँ इस ख्वाब गाह की जिन्नत बनी हुई होंगी। तो इससे यही बात जाहिर होती है कि उस दो लोगों की जुदाई में, मियाँ बीवी की जुदाई के सूरत में से उस सूरत हाल के बाद जो तबाही सामने आती, तो उससे मुआशरे पर कितना बुरा असर पड़ता है। तो इस मामले में मोहतरम नूर शाह साहब ने बात करने की कोशिश की है, जिसमें मोहतरम नूर शाह साहब एक मुकम्मल हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ज़बान और बयान के हवाले से बात करें तो बिल्कुल रास्ते बयान में एक सादा बयान अफसाना है, जिसमें सीगे मैं के हवाले से बात की गई है, और माशाल्लाह के हसब मामूल नूर शाह साहब अपनी बात रखने में और आम कारी तक आम फाम अल्फाज में रखने तक काम रखने में कामयाब नजर आ रहे हैं। मेरी तरफ से शुरका और मोहतरम नूर शाह साहब को मुबारकबाद है इस बेहतरीन अफसाने के लिए। यह उर्दू सरमा अफसाने में एक बेहतरीन सरमाया का इजाफा समझा जा सकता है। नूर शाह के अफसाने अफसाना ख्वाबगाह की दीवार पर लड़की तस्वीर पर बात हो रही थी, तजिया निगारों ने अपने आरा से नवाजा, मेहमानान जिन्हें वैशी सैद साहब और डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब मेहमान ज़ीबा कारा और मेहमान खुसूसी की हैसियत शामिल हुए, उन्होंने अपनी आरा से नवाजा, बेहतरीन आरा से नवाजा। ख्वाबगाह की दीवार पर लड़की तस्वीर की मुकम्मल तमाम जहतें सामने आईं, तकनीक उसलूब मकालमों पर बात हुई, खुलासा पेश किया गया, अशर अशरफ साहब की तरफ से तजिया बहुत बेहतरीन, बहुत पुरमुग़्ज़ गुफ्तगू की गई। अफसाने का खुलासा यूँ है कि दो भाई होते हैं जो 20 वर्ष कबल जुदा हो चुके होते हैं, उनके माँ बाप वालदैन में अनबन हो पैदा होती है, तो माँ बेटी माँ के हिस्से में, बेटा बाप के हिस्से में आता है। तीन वर्ष की लड़की, 5 वर्ष का भाई उसका मुन्ना मुन्नी। तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो फिर मिलते हैं ज़िंदगी के कैसे पड़ाव में, जब इंसान जिस्मानी जहनी अखलाकी हर एतबार से नशोनुमा पा चुका होता है, तो लड़की अलग ज़ाहिर है, बाप अमीर आदमी होता है, मालदार आदमी होता है, तो बेटा उसके हिस्से में आता है, वो तरक्की करता है, बेटी बेचारी वो ज़ाहिर है औरतों को भी समाज में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जब वो अपने शौहर से अलग होती है तो उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं, तो लड़की को भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो वो एग्ज़ाम में इम्तहान देती है, मुकाबला जाती है, इम्तहान में बैठती है, वो कामयाब होती है, उसको उसकी प्रैक्टिस उसके लिए उसको तजुर्बे के लिए 6 महीने का कोर्स या किसी कुछ महीनों का कोर्स करना पड़ता है, वो कामयाब होती है, उस मरहले से निकलती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उसको इंटरव्यू में देना, अपनी फाइल दिखानी पड़ती है, अपने बॉस का सामना करना पड़ता है, वो ऑफिस में दाखिल होती है, वहाँ वो पहले मुखातिब होती है अपने बॉस से, उसके बाद खा लड़की जो दीवार पर लड़की हुई तस्वीर होती है, उसको लड़की वो तस्वीर देखकर हैरान होती है, और बॉस रोमानी हिस का आदमी है, इससे पहले भी वो कई खातिन को जिंसी इस्तेमाल कर चुका होता है, उसके बाद ये खातून हैरान होती है, बॉस को कहता है तुम्हें फाइल पर दस्तखत करना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तरक्की के जीने चढ़ने ऊपर चढ़ने हैं, तो आप अपनी फाइल लाओ, देखना कुछ नहीं है, तस्वीर में क्या रखा है सामने आओ, वो अपनी वो जिंसी उसको भी अपनी जो उसकी बहन है, असल में उसकी बहन है, उसको भी जिंसी इस्तेमाल का निशाना बनाता। बहरहाल आखिर पर बात इस पर ख़त्म होती है कि वो उसको कहती है तुम मुझसे बचपन में जुदा हो गए थे, अब ये वक्त आ गया है, क्योंकि ये अख्ताम देखिए क्या है, भाई बहन का रिश्ता, लेकिन बचपन में जुदाई
इनको पता नहीं होता कि हम इस मरहले इस ख्याल के साथ आगे बढ़ेंगे, मतलब मैं अपनी बहन को भी किसी वक्त जिनसे इस्तेसाल का निशाना बना सकता हूँ, इससे कल भी वो कई औरतों को जो शरीफ ख़ानदान की होती हैं उसमें अच्छी बुरी तमाम लड़कियाँ आती हैं, ख्वातीन आती हैं, तो अपनी बहन को भी जिनसे इस्तेसाल का निशाना बनाना चाहता है। बहरहाल इख्तिताम देखिए, उसलूब देखिए, मकालमे देखिए, बहुत ही रवां दवां उसलूब, शीरी ज़बान, पुख्ता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुख्तसर, बहुत उम्दा, मीठू के मौजू को बहस बनाते हुए एक उम्दा अफसाना। मैं उस अफसाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ नौशा साहब को और तमाम तजिया निगारों को, मेहमान ज़िबाकार मेहमान खसूसी तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत जल्द बहशी सईद साहब के अफसाने पर इसी तरह गुफ्तगू होगी, इसी तरह तजिया होगा। तब तक के लिए